ठीक है डे फ्रेंड्स अभी हम कुछ हेमाटोलॉजिकल डिजीज या फिर डिसऑर्डर जो उसको कवर करते हैं आइडियली क्या है अपना हेमेटोलॉजिकल सिस्टम जो था हम जिसको ये बोलते हैं ब्लड को हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ डिजीज है होती है ठीक है तो हम उसको आज कवर करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर हेमेटोलॉजिकल डिजीज में है फर्स्ट हमारे पास में जो है एनीमिया ठीक है एनीमिया एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है आर डिक्रीज़ हो जाती है ठीक है हेल्दी आर की कमी जब होती तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि हेल्दी पैक सेल वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है तब तो भी हम बोलते हैं कि एनीमिया हो गया है ठीक है या फिर जब हीमोग्लोबिन की डिफिशेंसी होती है कमी होती है तब भी हम बोलते हैं कि एनीमिया हो चुका है ठीक है तो डे फ्रेंड्स आइडियली हम एनीमिया को बोला बोला जाता है खून की कमी और वो एक्चुअली क्या है आरबीसी की कमी हो सकती है हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है पैक सेल की कमी हो सकती है ठीक है अब आ, एनीमिया के कुछ टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार है तो एक है आयरन डिफिशेंसी एनीमिया अब हमें पता है कि जो ब्लड की जो सेंथिसिस होती है ना वो तीन चीज़ों से मिलकर होती है एक होती है आयरन एक होती है साइनोकोबलामिन मतलब विटामिन बी ट्वेल्व और एक होती है फोलिक एसिड इन तीनों में से अगर किसी एक की भी कमी रहे ना तो भी हम हमें एनीमिया हो जाता है ठीक है अलग अलग टाइप के एनीमिया होता है तो एक एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब लेक ऑफ द आयरन अगर आयरन की कमी है इंसान जिसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है ऐसा फूड अगर नहीं खाता है तो उसको आयरन की कमी हो सकती है ठीक है या फिर खा तो रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्बन नहीं हो पा रहा है ठीक है मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा रहा है तो भी इंसान को आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया हो सकता है ठीक है एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ठीक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब होता है मेगा मतलब बड़ा क्या होता है आरबीसी सेंथेसिस तो होता है लेकिन बड़ी साइज का होता है तो उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और इसका जो कारण होता है डिफिशेंसी मतलब और लैक ऑफ द विटामिन बी ट्वेल्व एंड फोलिक एसिड विटामिन बी ट्वेल्व मतलब साइनो कोबालामीन मीन्स कोबालीन और फोलिक एसिड की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं अपन मेगास्टिक एनीमिया क्योंकि उस जो सेल है उसके अंदर जो डी एन ए वो डिफेक्टिव डी एन ए सेंथेसिस होता है ठीक है एब नॉर्मल लार्ज साइज का आर बनता है ठीक है एब नॉर्मल लार्ज साइज का आर बनेगा और एब नॉर्मल लार्ज साइज का अगर आर बनता है तो डेफिनेटली वो आर स्क्वीज होकर कैपिलरीज के अंदर नहीं जा पाएगा ठीक है और हर एक सेल तक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है तो इसको बोला जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देन हम देखते हैं पर्निशियस एनीमिया या फिर इसको बोलते हैं विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं या फिर कोबालामाइन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं इससे हमें यह पता चला चल गया कि पर्निशियस एनीमिया किसे बोलेंगे विटामिन बी ट्वेल्व की कमी वाली एनीमिया को हम क्या बोलेंगे पर्निशियस एनीमिया हम इसको बोल सकते हैं आइडियली क्यों होता है क्योंकि वो इंट्रेंसिक फैक्टर जो विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्बशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसकी गैस्ट्रिक जूस के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है आइडियली एक इंट्रेसिव फैक्टर होता है जो हमारे जीआई ट्रैक के अंदर होता है उसकी अगर कमी है तो विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और अगर विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा वहाँ पर पर्निसियस एनीमिया हो जाता है ठीक है और ये जो होता है इस सिचुएशन में लाइफ लॉन्ग इंसान को जो होता है विटामिन बी ट्वेल्व का सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है ठीक है आगे हम देखते हैं फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया अगर फोलिक एसिड की कमी है तो उस एनीमिया को हम क्या बोलेंगे फोलिक एसिड डिफिशेंसी एनीमिया बोलेंगे नेक्स्ट है हेमोलाइटिक एनीमिया हिमोलाइटिक एनीमिया मतलब ये होता है कि प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आर बी सी मतलब जो आर बी सी वो मेच्योर भी नहीं हो पाती है और वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाता है वो डेथ हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसके कारण से भी क्या आर बी सी की कमी हो जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे हिमोलाइटिक एनीमिया अब हिमोलाइटिक एनीमिया के जो कारण हो सकती है अलग अलग डिजीज कंडीशन होती है लाइक द मलेरिया के टाइम में भी जो हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है कुछ ड्रग्स के कारण जब मेडिसिन हम लेते हैं किसी भी, भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए तो वो भी हमें एनीमिया कॉज कर देती है आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है कुछ टॉक्सिन होते हैं पॉइजनस अफसर होते हैं जो हेमोलाइसिस करवाते हैं जॉइंडिस के टाइम में ही होता है स्प्लिनो मेगालो मतलब स्प्लिन के अंदर इन्फ्लामेशन इंफ्ला, होना या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण भी जो होता है तो मेगालो सॉरी हेमोलाइसिस एनीमिया होता है सिकल सेल एनीमिया जो है तो ये भी क्या है एक एग्जाम्पल है हिमोलाइटिक एनीमिया का एक जो एंजाइम है जी सिक्स पी डी एंजाम ठीक है ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी के कारण भी जो होता है तो एनीमिया हो जाता है और उसको बोला जाता है हिमोलाइटिक एनीमिया क्योंकि इन सब सिचुएशंस के अंदर क्या होता है आर्विडिकी का डिस्ट्रक्शन होता है देख होता है सिकल सेल एनीमिया अब सिकल सेल एनिमा क्या होता है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस है जिसके अंदर जो होता है तो जो हिमोग जो भी सिकल हीमोग्लोबिन है सिकल हीमोग्लोबिन जीन जो होता है तो इनहेरिटेड हो जाता है और इस कंडीशन के अंदर जो आर होती है वो क्या हो जाता है उसका से उसका शेप चेंज हो जाता है सिकल के टाइप का मतलब हसिया आकार का हो जाता है ठीक है उसको बोलता है सिकल सेल एनीमिया और ये जो होता है तो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है ठीक है देन हम देखते हैं प्लास्टिक एनीमिया ठीक है सॉरी ए प्लास्टिक एनीमिया जो ये इस कारण से होता है कि बोन मेरो डैमेज होने के कारण जो होता है और जिसके कारण से जो आर प्रोडक्शन नहीं होता है ठीक है देन होते हैं अब ये पॉलिसाइथीमिया के अंदर क्या होता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आर बी एंड प्लेटलेट जो तीन कंपोनेंट है जो तीन सेल है हमारी ब्लड की आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट ये ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं तो इस बीमारी को बोला जाता है पॉलिसाइथेमिया बोला जाता है डी एफ्रेंस ठीक है पॉलीसाइथेमिया होता है अब ये जो पॉलीसाइथेमिया अगर होगा तो ज़्यादा सेल अगर कोई तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है ठीक है जिसके कारण से सीवियर ब्लड कंजेशन हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर ठीक है और ऑर्गन्स के अंदर आगे अगली बीमारी है हीमोक्रोमेटोसिस ठीक है हीमोक्रोमेटोसिस क्या होती है आयरन का जो लेवल है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है ठीक है और ये जो होता है तो क्या होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के कारण हो सकता है और इसको हम क्या बोलते हैं हिमोक्रोमैटोसिस बोलते हैं जब आयरन का लेवल बढ़ावा रहता है ठीक है और जब आयरन का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या होता है हमारी बॉडी के कुछ सेल्स लाइक द लीवर हार्ट एंड के अंदर ये डिपोजिट होने लगता है और इन वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है ठीक है आगे हम देखते हैं ए ग्रेनोलोसाइटोसिस एग्रेनोलोसाइटोसिस मतलब के जो डब्ल्यू बी सी जो ग्रेनोलोसाइट है उनकी कमी होना उसको क्या बोलते हैं अपन ए गेनोलोसाइटोसिस ठीक है होता है थैलेसीमिया थेलिसी में क्या होता है ऑटोसोमर रिसेसिव कंडीशंस है जिसके अंदर क्या होते हैं एक या एक से ज्यादा ग्लोबुलिन चेंज जो होती है ठीक है हीमोग्लोबिन की वो अफेक्ट हो जाती है तो उसके कारण से क्या होता है थैलेसीमिया बोलते हैं हम इसको ठीक है मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है उसके जो ग्लोबुलिन चेन है वो अफेक्ट हो जाने के कारण जो बीमारी होगी जिसको ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया और लास्ट में है थ्रोम्बोसाइटोपनिया थ्रोम्बोसाइटोपनिया मतलब कि लो लेवल ऑफ द प्लेटलेट्स इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपनिया तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी या हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आगे है हमारे पास में हीमोफीलिया अब ये जो हेमोफीलिया है इसके कारण इसमें क्या होता है अगर जो हेमोफीलिक पेशेंट्स होता है न, उसको अगर कट भी लग गया तो ब्लड कंटिन्यू लॉस होते रहता है ब्लड फ्लो होता ही रहता है ब्लड लॉस होता रहता है उसको हम बोलते हैं मतलब क्लॉटिंग उसकी जल्दी नहीं होती तो हम उसको क्या बोलते हैं हीमोफीलिया अब हेमोफीलिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या होता है देखिए जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं

क्लॉटिंग फैक्टर नाइन की कमी के कारण जो अगर होता के कारण अगर होता है तो इसको हीमोफिलिया बी बोलते हैं या फिर उसको क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है इस हीमोफिलिया को ठीक है अब जो हीमोफिलिया जो जीन है ये लोकेटेड करता है एक्स क्रोमोजोम्स के अंदर ठीक है तो आइडियली जो यूजली जो फीमेल्स के अंदर जो होता है डी फ्रेंड तो ये क्या होता है कैरियर होता है और मेल्स इससे अफेक्टेड होते हैं ठीक है थीके? अब कंडीशन दी गई है अगर फादर मतलब के मेल अगर हीमोफिलिया है तो जो आने वाली जो डॉटर होगी ना वो कैरियर होगी ठीक है और जो सन होगा वो नॉर्मल रहेगा ठीक है क्योंकि सन के अंदर तो वाई क्रोमोजोम रहेगा जबकि इस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल एक्स क्रोमोजोम है ठीक है अब मदर अगर हिमोफीलिया है तो डियर फ्रेंड जो डॉटर है ना डॉटर का क्या होगा ये फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है कि डॉटर क्या होती है नॉर्मल हो सकती है या फिर कैरियर हो सकती है लेकिन जो सन है उनमें भी फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है कि एक तो नॉर्मल होंगे या फिर अफेक्टेड होंगे ठीक है अगर मदर हेमोफीलिया है तो तो डी फ्रेंड्स ये था अपना हेमोफीलिया तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू प्लीज इसको आप अच्छे से समझिए और पढ़िए क्योंकि इस पर आधारित काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आगे आपसे कुछ पूछना है तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस